अहम तरीन खबर है। मुलजिम इमरान का पहला एतराफी बयान, 24 न्यूज पर जैनब को वालिदैन से मिलाने का बहाना बनाकर साथ ले गया। इमरान का ये कहना है, जैनब पूछती रही हम कहाँ जा रहे हैं। मुलजिम इमरान कहता है कि अंधेरे का बहाना बनाकर कहा कि रास्ता भूल गए हैं। वो ये भी बताता है कि जाए वकुआ पर एक आदमी पहले से खड़ा था। अहम तरीन खबर है, मुलजिम इमरान का, जैनब का और दीगर 8 बच्चियों का। मुजरिम ये बताता है कि उसने वालदैन से मिलाने का बहाना बनाकर जैनब को अपने साथ ले गया वो, और उसके बाद जैनब पूछती रही कि कहाँ जा रहे हैं। वो ये बताता रहा कि अंधेरे का बहाना बनाकर के हम रास्ता भूल गए हैं। अगर पता ना लगता पर आप मैं किधरों चले जाने छेती चले जाऊंगी ते उस जगह से जिस वे मैं क्या बाद में जितनी तो कोई मतलब रोशनी की सी ना रिसीवर चलता पे उसे बैकरी से कॉल करके अगली साइड से ते उन मैं बाबा दूर दर्शन में तो सामने जरा ना उथे मतलब ये गए वो आ गए आप कोल आ गए जिते जाना है ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੈ ਮਾਮਾ। आबिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। आबिद चौधरी, अहम तरीन डेवलपमेंट है, अब ये शख्स खुद अपने मुंह से बता रहा है कि किस तरह से उस बच्ची को इसने वरगलाया और अपने साथ ले गया। क्या बताते हैं तफ्तीश करने वाले? बिल्कुल, तमाम इदारे जो है उस मुलजिम से तफ्तीश कर चुके हैं, जिसमें सिक्योरिटी इदारे हैं, पुलिस है, स्पेशल ब्रांच है, CIA और दीगर सिक्योरिटी इदारे हैं, जो हम तमाम मुलजिम से तफ्तीश कर चुके हैं। लेकिन अब मुलजिम की जाने से एक एतराफी बयान जो है वो सामने आ रहा है, जिसमें मुलजिम खुद बता रहा है तफ्तीशी टीमों को कि वो कैसे बच्ची को वहाँ से लेकर फरार हुआ। पहले मुलजिम जैसे वाले से ये कहना है कि बच्ची को पहले वो ये चेक कर ले जाता रहा कि वो उसकी वालदा से मिलवाने के लिए उसको ले जा रहा है, लेकिन उसके बाद बच्ची ने जब जिद की तो उसके बाद मुलजिम ने जो कि बच्ची को ये कहना था कि वो रास्ता भूल गए, जिस पर वो रास्ता देख रहा है, जिस पर उसको मौके पर एक और शख्स जो है वो वहां पर खड़ा दिखाई दी, जिस पर उसने अपना फिर से एक बार रास्ता जो है वो पलट दिया। अब मुलजिम को कोर्ट में पेश कर दिया गया, अब देखना है कि मजीद कानून के तहत इसके खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई जाती है। आबिद चौधरी, बहुत शुक्रिया इन अहम तरीन अपडेट्स के लिए आपका।